गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम माउस का नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे, एयर माउस। एन एयर माउस इज अ न्यूअर टाइप ऑफ मोशन सेंसिंग माउस दैट इन एडिशन टू द टिपिकल बटन्स। ठीक है, ये एक न्यू टाइप का मोशन सेंसिंग माउस होता है। इसमें टिपिकल बटन होते हैं, अलाउ यू टू कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स बाय मूविंग द माउस इन प्री डिटरमाइंड डायरेक्शन थ्रू द एयर। इसमें क्या होता है, हमें कैसे अलाउ करता है ये, हम ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं किसके जरिए, बाय मूविंग द माउस। माउस को बाय माउस के जरिए करते हैं, लेकिन कैसे कंट्रोल करते हैं, प्री डिटरमाइंड डायरेक्शन इसमें की जाती है। इसको थ्रो द एयर के जरिए हम माउस के थ्रो द एयर हम इसको क्या करते हैं, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट्स होती है कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है टच माउस। अ टच माउस इज अ टच सेंसिटिव माउस दैट रिकॉग्नाइज टच गेस्टर। इसमें टच माउस में कहते हैं, ये टच सेंसिटिव माउस है, इसमें कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, इसमें टच गेस्टर्स होते हैं। इसमें मतलब हम टच करके आपका कोई भी पॉइंट, जो भी आपने जिस चीज को पॉइंट करना है, तो हम टच करके उसको पॉइंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यू प्रेस अ लोकेशन ऑन अ टच माउस टू सिमुलेट अ क्लिक। मतलब जो भी आपने कोई भी लोकेशन प्रेस करनी है, आपको क्या करना है, माउस को क्या करना है, टच करना है। ठीक है, स्वीप योर थंब ऑन द माउस टू स्क्रोल पेजेस और स्लाइड मल्टीपल फिंगर अक्रॉस द माउस टू जूम। जैसे कोई हमने कोई भी इमेज बड़ी करनी है या पेज वगैरह स्लाइड, उसको पेज बड़े करने, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो अपने अंगूठे को स्वीप करना पड़ेगा या अपनी मल्टीपल एक से ज्यादा फिंगर्स को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसको जूम करने के लिए, पेजेस को जूम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है टच पैड। अ टच पैड इज अ फ्लैट प्रेशर सेंसिटिव सरफेस दैट इज यूज्ड ऑन नोटबुक कंप्यूटर। टच पैड जो है कहाँ पे आपको मिल जाता है, ये क्या है, एक फ्लैट प्रेशर सेंसिटिव सरफेस होता है जिसको यूज कहाँ किया जाता है, नोटबुक में किया जाता है, कंप्यूटर्स की नोटबुक में किया जाता है, नोटबुक कंप्यूटर्स में किया जाता है। यू कैन मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन बाय मूविंग यूर फिंगर अलोंग द सरफेस ऑफ द पैड। आपने इसको कैसे यूज कर सकते हो, पॉइंटर को ऑन द स्क्रीन पे फिंगर्स के जरिए, आपकी फिंगर को है मूव करनी पड़ती है। ठीक है, जो आपके पैड में उधर दिया होता है टच पैड आपको। ऑन सम टच पैड्स कौन से होते हैं, यू कैन आल्सो टैप द पैड सरफेस टू यूज टू माउस ऑपरेशन सच एज अ क्लिक। कुछ तो होते हैं जस्ट क्लिक करने से ही आपका क्या हो जाता है, क्लिक करते ही आपका जो भी आपने पॉइंट को उसको करना है, पॉइंट करना है, तो वो क्या जस्ट क्लिक करते ही पॉइंट हो जाता है। सम टच पैड आल्सो रिकॉग्नाइज टच गेस्टर। सम क्या होते हैं, टच गेस्टर होते हैं, सच एज स्वाइप पिंच एंड स्ट्रेच मोशन। ये देखो स्वाइप, स्वाइप में क्या होता है, प्रेस एंड होल्ड वन फिंगर। क्या होता है, एक फिंगर को आपने क्या करना है, प्रेस और प्रेस करना है, एंड देन मूव द फिंगर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। और उसको क्या है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली स्क्रीन पर क्या करना है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली उसको मूव करना है। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेच। स्ट्रेच क्या है, मूव टू फिंगर्स अपार्ट। इसमें दो फिंगर्स का यूज करना है लेकिन लूज करके। नेक्स्ट है पिंच, मूव टू फिंगर क्लोजर। इसमें दो फिंगर यूज करनी है लेकिन इसको उनको क्या, दोनों को क्लोज, फिंगर को दोनों को क्लोज करके ही आप उसको क्या कर सकते हो, यूज करते हो माउस को। नेक्स्ट आता है हमारा जॉयस्टिक। अ जॉयस्टिक इज अ पॉइंटिंग डिवाइस विच इज यूज टू कंट्रोल द एक्शन इन अ कंप्यूटर गेम। जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इसको इसमें एक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और इसमें किसको यूज किसके लिए यूज किया जाता है, कंप्यूटर में गेम वगैरह, कंप्यूटर गेम खेलने के लिए आप जॉयस्टिक का यूज किया जाता है। इट हैज अ वर्टिकल लेवर माउंटेड ऑन अ बेस। ये वर्टिकल लेवर माउंटेड पे बेस होता है। यू मूव द लेवर इन डिफरेंट डायरेक्शन टू कंट्रोल द एक्शन इन अ गेम। आप क्या कर सकते हो, इसमें मूव कर सकते हो डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करना है तो आपको क्या करना है, इसके बटन्स को क्या करना है, इसको कंट्रोल करके, मतलब इसको लेफ्ट में लेना है, राइट में लेना है, अप डाउन, इस तरह से इसकी डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट आल्सो कॉल्ड डिजिटाइजर इज एन इनपुट डिवाइस। इसको क्या बोलते हैं, डिजिटाइजर इसको इसमें होता है, इसको डिजिटाइजर बोलते हैं। और ये एक इनपुट डिवाइस की तरह होता है, विच हैज अ स्पेशल पेन होता है इसमें, जिस टू राइट ऑन इट। इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, हम इसको ऊपर राइट कर सकते हैं। इट इज यूज टू ड्रॉ इमेजेस ऑन द कंप्यूटर एज वेल एज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। और हम इसमें कैसे यूज करते हैं इसको, इसमें क्या इमेजेस ड्रॉ कर सकते हैं कंप्यूटर पे, और उसको
कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं। टच स्क्रीन, अ टच स्क्रीन इज अ स्क्रीन दैट यू कैन टच विद योर फिंगर टू इनपुट इंफॉर्मेशन। आप टच स्क्रीन की होती है, आप फिंगर्स को, आपकी फिंगर इनपुट का काम करेगी, ठीक है। योर फिंगर एक्ट एज योर फिंगर एक्ट एज द पॉइंटिंग डिवाइस टैबलेट पीसी। योर मतलब जो भी आपकी फिंगर है वो आपका काम किसका करेगी, पॉइंटिंग डिवाइस का करेगी, ठीक है। मतलब आप फिंगर के जरिए, आप फिंगर आपकी एक इनपुट डिवाइस होती है टच स्क्रीन में। टैबलेट पीसी स्मार्टफोन एंड एटीएम यूज टच स्क्रीन टू इनपुट इंस्ट्रक्शंस। अब जो आप टैबलेट पीसी में, स्मार्टफोन और एटीएम में किसका यूज करते हो, टच स्क्रीन का करते हो एज ए इनपुट की तरह। नेक्स्ट है मोशन इनपुट। मोशन इनपुट लेट्स द यूजर गाइड ऑन स्क्रीन एलिमेंट्स यूजिंग एयर गेस्टर्स होते हैं ये, ठीक है। एयर गेस्टर इन्वॉल्व मूविंग योर बॉडी, इसमें बॉडी और हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस थ्रू द एयर। ये इसमें एयर गेस्टर में आपकी बॉडी के पार्ट्स को क्या किया जाता है, मूव किया जाता है। और हैंड हेल्ड मतलब आपकी हैंड को क्या करते हैं, इनपुट डिवाइस होता है किसके जरिए, थ्रू द एयर होता है ये। विद मोशन इनपुट अ डिवाइस कंटेनिंग अ कैमरा डिटेक्ट्स योर गेस्टर एंड देन कन्वर्ट्स टू अ डिजिटल सिग्नल दैट इज सेंड टू अ कंप्यूटर और गेम डिवाइस। इसमें क्या है कि आपने क्या करना है, आप इस वाले इनपुट के जरिए, विद मोशन इनपुट के जरिए आपने कैमरा को डिटेक्ट करना है योर गेस्टर, ठीक है। एंड देन कन्वर्ट, वो क्या हो जाता है, जो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। दैट इज सेंड टू कंप्यूटर और गेम डिवाइस। इसमें क्या, आप इससे आप मतलब हैंड कुछ भी मतलब हैंड को मूव करते हो, ठीक है, और कोई भी गेस्टर्स होता है तुम्हारा, तो वो क्या करते हैं उसको उसको माउस उसको एक एज ए इनपुट की तरह लेते हैं, ठीक है। और इसको फिर किस में कर देते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं डिजिटल सिग्नल में, और किस में, कंप्यूटर में। उसके बाद क्या कर देते हैं, सेंड कर देते हैं और गेम डिवाइस में सेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गेमर्स कैन पुल देयर आर्म। गेमर्स जो होता है, खेलने वाला होता है, वो अपनी आर्म को क्या लेता है, उठाता है और कंट्रोलर बैक टू थ्रो द जैवलिन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और क्या करता है, उसको पुल अपनी क्या करता है, आर्म को पुल करता है और क्या करता है, जैवलिन की तरह डायरेक्शन फॉरवर्ड करता है कंप्यूटर को, ठीक है। एक जैवलिन थ्रो करता है, जैवलिन डायरेक्शन में लेके उसको फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। जैसे ये देखो, ये आपका मोशन इनपुट है, मतलब आपने क्या किया, अपने आर्म को पुल किया और कंप्यूटर पे क्या किया, उसको जैवलिन, जैसे उसने क्या है, हैंड में जैवलिन थ्रो करी है, इस तरह से आपका क्या करता है, ये मोशन इनपुट का काम करता है। डिजिटल कैमरा, अ डिजिटल कैमरा आल्सो कॉल्ड डिजिक्शम, इसे क्या बोलते हैं, डिजिक्शम बोलते हैं, इज एन इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस। ये एक इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस है, यूज टू कैप्चर एंड स्टोर फोटोग्राफ्स इलेक्ट्रॉनिकली इन द कंप्यूटर। इसका यूज किस लिए करते हैं, हम पिक्चर को कैप्चर करते हैं और क्या करते हैं, उसको फोटोग्राफ को क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं इन द कंप्यूटर, ठीक है। आज हम इतना ही चैप्टर इसको रीड करेंगे। अब आपने क्या करना है, इस चैप्टर को रीड करना है, समझना, और जो भी डिफिकल्ट वर्ड है आपको, तो वो आपको अपनी नोटबुक पे राइट करने हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।